हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे एक वीडियो में दो अलग अलग मूवीज की, यानी कि एक रिलीज हुई अमेजन प्राइम वीडियोस पर, दूसरी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर। सबसे पहले हम लोग इंडियन है तो हम लोग हमारी इंडियन मूवी यानी कि बॉलीवुड मूवी की बात करेंगे, जिसका नाम है डुबुक, जो कि ऑफिशियली एक रीमेक है मलयालम मूवी एजरा की। और मैंने वो ओरिजिनल मलयालम मूवी नहीं देखा था, सीरियसली मैंने नहीं देखा था। तो अच्छा हो मैंने नहीं देखा था। क्यों नहीं देखा था वो आप लोग इस वीडियो में समझ लोगे। खैर, इस मूवी में इमरान हाशमी, जो कि पर्सनल मेरे फेवरेट एक्टर है, और मानव कौल, जो कि एक अलग उभरते हुए एक्टर है, जिनका परफॉर्मेंस देखने के लिए मैं स्पेशली उनकी मूवीज और सीरीज देखता हूँ। और मूवी की कहानी सिंपल सी ये है कि मॉरिशियस में एक जूश बंदा रहता है, जो कि काफी सालों से रह रहा था, लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है। अब उस जूश बंदे के पास एक बॉक्स है जिसका नाम है डुबुक। अब बेसिकली ये बॉक्स ये है कि जितने भी पुराने जो जूश लोग थे, वो लोग कुछ रिचुअल्स करते थे, और रिचुअल्स के थ्रू वो लोग इस बॉक्स में शैतानी आत्मा को कैद कर लेते थे। अब वो बॉक्स को जो खोलेगा उसकी हो जाएगी डेथ। तो अब ऐसे में कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, कैसे इमरान हाशमी और उनकी वाइफ इन सारे पछड़े में फंस जाती है, सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर देखो यार, मूवी की सिंपल सी बात ये बोलूं कि अगर आप लोग ने एजरा देखी हो तो ये मूवी आपको उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। और इवन मैं आपको एक रियलिटी बता दूं कि अच्छा हो मैंने एजरा मूवी नहीं देखी। अगर मैं एजरा देखता तो ये मूवी शायद ही मैं देखता। और जैसे सीधे बोलूँ तो एजरा मूवी भी कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर सेम टू सेम कॉपी की गई है ये मूवी तो फिर मुझे कुछ इतनी खास नहीं लगी। हालांकि स्टोरी अच्छी है, कुछ अलग हटके चीजें बताई है, लेकिन इतनी भी आउटस्टैंडिंग नहीं है जितना लोग तारीफ करेंगे, ऐसा भी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी देखने के लिए अच्छा लगता है। स्पेशली जो वो जो गोस्ट से रिलेटेड जो ओरिजिन स्टोरी बताई ना, वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी। और मूवी को फास्ट रखा, यानी कि स्लो नहीं रखा। मतलब 2 घंटे कब चलाया था आपको पता नहीं चलता। क्या उसके अलावा मूवी में कैरेक्टर्स की बात को तो ज्यादा कैरेक्टर्स है नहीं, लेकिन जितने भी उनको ठीक ठाक से लिखा गया, जिससे आप लोग इजीली कनेक्ट हो सकते हो। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो यार इमरान हाशमी हमेशा हॉरर मूवीज में बहुत अच्छे लगते हैं, और इस मूवी में भी वो बहुत अच्छे लगेंगे आपको। और मानव कौल, उनका भी परफॉर्मेंस मुझे हट के अलग लगा। मतलब उनकी जितनी भी प्रीवियस वेब सीरीज और मूवीज देखा है, तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट, वो एक फादरी का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो देखकर मुझे अच्छा लगा। और जो जिस तरह से वो डायलॉग्स बोलते हैं, उसके अलावा मूवी में आपको कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे, जो कि आप लोग शायद प्रेडिक्ट कर लो। शायद इसलिए बोल रहा कि मे भी बहुत सारे ऐसे चतुर लोग होते हैं जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं प्रेडिक्ट किया था, तो मैं वो चतुर लोगों में से नहीं हूँ। के अलावा अगर आप ये मूवी जंप स्केयर सीन्स की वजह से देख रहे हो, तो मूवी में एक जगह पे जो जंप स्केयर सीन है जो मुझे देखकर डर लगा, बाकी उसके अलावा कुछ भी ऐसा हॉरर नहीं लगा जो मैं आपको यहाँ पर बता सकूँ। सीरियसली कुछ भी हॉरर नहीं। और जब क्लाइमेक्स की बात करो तो क्लाइमेक्स यू खत्म हो जाता है, यू मतलब अब शुरू हुआ अब खत्म हुआ था। मतलब क्लाइमेक्स में जो एक फील होना चाहिए था ना, वो डर फील नहीं हुआ मुझे यार। ओवरऑल देखा है तो ये एक अच्छी मूवी जो आप अपनी फैमिली से बैठ के देख सकते हो, अगर आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है तो। बट इसमें एक किसिंग सीन है, इमरान हाशमी है तो किसिंग सीन तो होगा, तो एक ही किसिंग सीन है, उसको आप लोग फास्ट फॉरवर्ड कर लेना, जो कि मूवी के स्टार्टिंग के 10-15 मिनट के बाद ही हो जाता है। जैसे वो लोग मॉरिशियस में आते हैं, उसके बाद वो किसिंग सीन होता है, उसका आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो। उसके बाद आप लोग पूरी मूवी घर पे बैठ के देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 6 out of 10। खैर अब हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई आर्मी ऑफ थीव्स, जो कि प्रीक्वल है आर्मी ऑफ डेड की। एक मैं सच बात बताऊं कि आर्मी ऑफ थीव्स की मूवी की शूटिंग पहले ही स्टार्ट हो गई थी, और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स कंप्लीट भी हो गए थे। उसके बाद उन लोगों ने आर्मी ऑफ द डेड मूवी की शूटिंग करना स्टार्ट हुई, लेकिन रिलीज हुई सबसे पहले आर्मी ऑफ द डेड। और अच्छा हुआ सबसे पहले आर्मी ऑफ द डेड रिलीज हुई, वो क्यों मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। खैर बात करेंगे इस पर्टिकुलर मूवी की, जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 घंटे की, और बेसिकली एक ओरिजिन स्टोरी है डेटर लुडविक की, जिसको आपने आर्मी ऑफ द डेड मूवी में देखा था। और यकीन मानो वो एक साइड कैरेक्टर था, लेकिन उस मूवी में जैसे हमने उनको पसंद किया, और आज मुझे ये चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने आर्मी ऑफ द डेड पहले मूवी देखी। क्योंकि अगर हम लोग आर्मी ऑफ थीफ, जो कि अब रिलीज हुई है, इसको हम लोग अगर पहले देखते हैं, तो इस कैरेक्टर डेटर लुडविक, यानी कि जिसका ओरिजिनल नाम है सेबेशियन, उससे हम लोग उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते जितना अब हुआ है। तो इस वजह से हम लोग को ये आर्मी ऑफ थीव्स मूवी अच्छी लगती, एंटरटेनिंग लगती, क्योंकि बेसिकली हमको उसके पास से रिलेटेड पता चलता है कि यार उसके बचपन में वो क्या था, और कैसे वो इस फील्ड में आया, कैसे वो तिजोरी खोलने में माहिर हुआ, कैसे उसने एक हाइस्ट की थी, और उस हाइस्ट को किसने करवाया था, क्यों करवाया था। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हमको उसके बारे में पता चलती है इस मूवी को देखने के बाद, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी। मूवी में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, जो आर्मी ऑफ डेड में आप मतलब आपने एक बहुत बड़े बजट की मूवी देखी थी, जहाँ पर जॉम्बीज थे, ये थे, वो थे, मतलब क्योंकि उसको जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट किया था। बट इस मूवी को जैक स्नाइडर ने डायरेक्ट नहीं किया बल्कि लिखा है, तो ओवरऑल इट्स नॉट डेट काइंड ऑफ मूवी जो आप लोग एक्सपेक्ट करोगे, लेकिन फिर भी एंटरटेनिंग है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं
कि मैथियस जो कि यहाँ पर सेबेस्टियन या तो आप कह सकते हो डेटा लुडविक का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर मूवी को डायरेक्ट भी किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और उसके अलावा मूवी में आपको एक अच्छी खासी हाइस्ट भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और वो जो तिजोरी खोलने की जो सीन्स है ना वो तो भाई कमाल के है, वहाँ पर मतलब आपको एक अलग ही तरह का मजा आता है। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को तो मैथियस उन्होंने तो बहुत ही अच्छा काम किया और ये काफी लवेबल कैरेक्टर बनेंगे आगे चल के देखना लोगों के लिए। लेकिन जो दूसरे सपोर्टिंग एक्टर्स है स्पेशली वो राम से जिसको हमने फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में देखा है, वो भी यहाँ पर एक अच्छे रोल में है। उनके भी रोल को बहुत अच्छी तरह से लिखा है मूवी में। आपको थोड़ी जगह पर कॉमेडी मतलब हल्की कॉमेडी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ जगह पर इमोशनल सीन्स देखने को मिलेंगे जो इजीली आपको सेबेशन AKA डेटर लुडविग या जो भी उसको आप लोग बोल सकते हो उससे आपको इजीली कनेक्ट करती है। तो मूवी में आपको आर्मी ऑफ डेड के कुछ रेफरेंस देखने को मिलते हैं और एंड में आपको कैमियोज भी देखने को मिलता है। वो कैमियोज किसके हैं क्या है वो सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। खैर मैं इतने कह सकता हूँ पेरेंटल गाइडेंस पे कि ये मूवी में कुछ भी अश्लील सीन्स नहीं, तो आप अपने घर वालों के साथ बैठ के देख सकते हो। अब मैं आर्मी ऑफ थीव्स को रेटिंग दूंगा 7 out of 10। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोग की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।